नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी के आमिस्टार फंगीसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या टेक्निकल दिया गया है और ये फंगीसाइड हमारे फसल पर कैसे कार्य करता है और इस फंगीसाइड को हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और ये फंगीसाइड किन किन घातक बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित करता है और इसके डोज, प्राइस और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ऐसी कृषि संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए। तो किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का आमिस्टार फंगीसाइड एक बहुत ही जाना माना फंगीसाइड है। आमिस्टार फंगीसाइड में टेक्निकल है एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC। ये फंगीसाइड एक सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक गाढ़े लिक्विड के रूप में आता है। आमिस्टार स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप का एक बोर्ड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड है। आमिस्टार हमारे फसल पर सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और उन्मूलन कार्यविधि के साथ कार्य करता है। इस फंगीसाइड को जब हम हमारे फसल पर छिड़काव करते हैं या फिर छिड़कते हैं तो यह पौधे को स्पर्श करते ही पौधे के द्वारा बेहद आसानी और तेजी से अवशोषित हो जाता है और तुरंत फंगस के वंश विस्तार को रोकता है। आमिस्टार फंगीसाइड फंगस के माइक्रोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को रोकता है जिससे फंगस की मृत्यु हो जाती है। और इस फंगीसाइड में ट्रांसलामिनार क्रिया भी दी गई है, मतलब जब हम इसका छिड़काव हमारे फसल पर करते हैं तो यह पत्तों के ऊपरी सतह को स्पर्श करते ही बेहद आसानी से पत्तों के नीचे सतह तक चला जाता है और पत्तों के नीचे लगे हुए फंगस को तुरंत मारता है। और ये फंगीसाइड फंगस जनित बीमारियों से हमारे फसल को लंबे समय तक सुरक्षा भी देता है। आमिस्टार हमारे फसल के सभी लाभकारी कीटों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अब हम बात करेंगे इसके टैंक मिक्स के बारे में। तो आमिस्टार फंगीसाइड को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बरसातीपन के बारे में तो आमिस्टार फंगीसाइड छिड़काव के 2 से 3 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तब भी हमको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके छिड़काव के सटीक समय के बारे में। तो किसान भाइयों, आमिस्टार फंगीसाइड को आप आज प्रिवेंटिव, मतलब बीमारियों के आने से पहले इसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर बीमारियों के आने के प्राइमरी स्टेज, मतलब बीमारियों के आने के प्राथमिक अवस्था में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये फंगीसाइड हमारे फसल पर फाइटोटोनिक प्रभाव भी डालता है जिससे हमारे फसल पर हरी चौड़ी पत्तियां और अधिक शाखाएँ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इसके फसल छिड़काव के बारे में। तो आमिस्टार फंगीसाइड को हम कपास, गेहूँ, मटर, चना, सोयाबीन, प्याज, मूंगफली, बैगन, टमाटर, करेला, बीन्स और परवल के अलावा अन्य सभी सब्जी वर्गीय फसल, अनाज वर्गीय फसल और फूल फल वाले फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बीमारी नियंत्रण के बारे में तो आमिस्टार फंगीसाइड पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट, ईयरली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, फंगल लीफ स्पॉट, फंगल फ्रूट स्पॉट और डायबैक जैसे घातक बीमारियों को बहुत ही अच्छी तरह नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो आमिस्टार फंगीसाइड को 20 ml प्रति 15 से 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 200 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो आमिस्टार फंगीसाइड का असर हमारे फसलों पर लगभग 15 से 20 दिन तक देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो आमिस्टार फंगीसाइड का जो 200 ml का पैकिंग है वो आपको 1300 से 1500 रुपये में मिल जाता है। अब हम जानेंगे कि इसी सेम मिश्रण का अन्य कंपनियों का किन किन नाम में आता है। तो किसान भाइयों, आप इसी सेम मिश्रण का स्वाल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एजोक्सी फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं या फिर आदामा इंडिया लिमिटेड का मिराडोर फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं या फिर नेशनल पेस्टिसाइड कंपनी का एजोस्टर फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि सिजेंटा कंपनी के आमिस्टार फंगीसाइड में जो टेक्निकल होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, इन तीनों में वही सेम टेक्निकल होता है, सिर्फ कंपनी अलग होने से इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो किसान भाइयों,
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।